कला को महसूस करता है वो नींदों में भी नाचता है। आज क्या तैयारी है, आज क्या तकते हिलाना है या तोड़ना है? देखो हिलाने वाला काम अपने पास तो है नहीं, अपने का काम तो जंप लगाते हैं तो तख्ता कई दूर तक कंपन होती है, क्या कहेंगे तख्ता तोड़ा तो नहीं परंतु थोड़ा तो बैठ गया है, देख लो। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क, गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, हमाशामा गांधी चौक सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ उस होली की धमाल को जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, और तख्ता तोड़ धमाल जिसे मैंने कहा था। वास्तव में जब ये प्रस्तुति देते हैं तो तख्ते यूं हिलने लगते हैं और लगने लगता है कि शायद ये मंच टूटेगा, और ऐसे भाग ऋषियों की प्रस्तुति प्रस्तुत होगी लक्ष्मणगढ़ की शिव बालाजी ढप मंडली और उसके सबसे मैं कहूँगा कि अनूठे कलाकार। जो ही वो कार्यक्रम शुरू होता है तो सबसे पहले जो समा बांधते हैं निखिल जी सोनी, जो कि बांसुरी के एक ऐसे कलाकार हैं जिसका हर कोई फैन है। जब आपका पहला कार्यक्रम भी लगा था तो सबसे ज़्यादा आपकी बांसुरी पे लोगों के कमेंट थे कि ये बांसुरी ऐसी मीठी बांसुरी आपने कहाँ से सीखी? मेरे गुरुजी थे श्री शशिकांत जी छिप्पा, जो कि सीकर के थे, और बहुत ही प्यारी बांसुरी वो बजाते थे। मैंने बचपन में जब मैं 13-14 साल का था तो मैंने उन्हीं से सीखी थी बांसुरी। इस ग्रुप का थोड़ा और परिचय करवाता हूँ, योगेश जी थोड़ा पहले परिचय बताएं ग्रुप का अपने। अपने ग्रुप का नाम है शिव बालाजी डप मंडली चेटोंगी कोटी लक्ष्मणगढ़, और जो ये अपना ग्रुप है ये वर्षों से अपने पारंपरिक रूप में जैसे पुश्तैनी है चल रहा है, और अपन इस ग्रुप के माध्यम से इस सेकावाटी अंचल में एक लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए इस यूथ में जो अपने साथी कलाकार भाई बंधु हैं, जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी आगामी पीढ़ी है, ये भी इस कार्यक्रम और लोक संस्कृति को देख के एक अलग ही रुझान बढ़े। और इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अपने जो सेकावाटी की है लोक संस्कृति है इसको दूर दूर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, नहीं अनिल गुज्जर। मेरा नाम प्रकाश। और खास तो महरी के रूप में क्या नाम आपका? हां जी, मेरा नाम सिया राजस्थान। गुड्डू। आपका शुभ नाम क्या है? देवकी नंदन सैनी। मैं सौरभ कुमार जी सैनी। मेरा नाम मनी सैनी है। हरीश सैनी। बोल चंद सैनी से टाइम कोटी पार्टी को देख से। तो आज क्या तैयारी है, आज क्या तख्ते हिलाना है या तोड़ना है? देखो हिलाने वाला काम अपने पास तो है नहीं, अपने का काम तो तोड़ना ही होता है। मेन मकसद जो अपना है ये है कि लोगों को दिखाए कि आज भी युवाओं में भी ये कला जिंदा है। अपना मकसद कोई जीतना हारना नहीं है, अपने विजेता हमेशा से विजेता है और विजेता विजेता ही रहता है। मेन ये चाहते हैं इस संस्कृति को आगे लेकर जाए, और युवाओं में जो बढ़ता हुआ नशा है, तरह तरह के डीजे से नाच रहे, उन सबको छोड़ के संस्कृति के साथ जुड़कर और आनंद लेवे और इसको महसूस करे। देखो सबसे बढ़िया जो चीज़ होती है ना वो ये होती है इस कला को महसूस करना। जो आदमी कला को महसूस करता है वो नींदों में भी नाचता है।
शगुन महोत्सव ठप प्रतियोगिता फतेहपुर शेखावाटी में इस खास प्रतियोगिता में शिव बालाजी ठप मंडल लक्ष्मणगढ़ की टीम जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, विजेता का खिताब जिस टीम ने प्राप्त किया है, और वास्तव में बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी और अनवरत बिल्कुल भी कहीं भी ब्रेक नहीं लगा। फतेहपुर का यह खास ढप प्रतियोगिता जितनी शानदार प्रतियोगिता हुई और उस प्रतियोगिता में मैं कहूंगा कि निर्णय भी बहुत न्यायपूर्ण हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट स्थान पर जो रही है टीम अनवरत बिना ब्रेक इतना शानदार जो है धमाल उन्होंने पेश किया है। और मैं जब इनसे पहले बात कर रहा था तो मैं इनसे पूछ भी रहा था कि क्या आपने आयोजकों को कह दिया है कि तख्ता टाइट लगाया है, क्योंकि तख्ता तोड़ इनकी धमाल होती है और जब ये जंप लगाते हैं तो तख्ता कई दूर तक कंपन होती है। क्या कहेंगे, तख्ता तोड़ा तो नहीं परंतु जीत का जो है झंडा तो गाड़ ही दिया। हमने पहले कहा था तख्ता ही लाएंगे नहीं तोड़ेंगे, तोड़ा तो बैठ गया है देख लो। थोड़ा तो बैठ प्रस्तुति के साथ आपने एकदम नंबर वन है। देखो हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं है कोई विजेता वाला, हमारा पहले हमने कहा था कि हम विजेता है, विजेता का मतलब जो टीम में होती है वो विजेता ही होती है सारी, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक को स्थान मिलता है। हम लगातार अनवरत 4-5 वर्ष से आ रहे हैं, हमें जो भी स्थान दिया जाता है हमें सहर्ष स्वीकार होता है, इस बार भी सहर्ष स्वीकार है। हमारा मकसद है संस्कृति को जीवित रखना, अपनी जो राजस्थान की कल्चर है उसको आगे बढ़ाना, और इतना शानदार आयोजन मेरे हिसाब से राजस्थान में नहीं होता है जो यहाँ हुआ है। इसके लिए मैं आयोजक टीम का आभार करता हूँ, हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूँ कि हम जैसे छोटे छोटे कलाकारों को इतना बड़ा मंच दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार भाई साहब का। जिन्होंने मंच दिया मैं बातचीत करूँगा श्रीनिवास जी से भी, क्योंकि आज जो प्रतियोगिता हुई है मैं कहूँगा कि सर जो तीन जो टीम है, जो राजलदेसर की श्रीनाथ नगर टीम है और गोवत्स मंडली है और लक्ष्मणगढ़ की जो टीम है, तो टक्कर तो मैं कह रहा हूँ कि तीनों की भी शानदार टक्कर थी, बहुत मुश्किल हुई होगी निर्णय करने में। हाँ, सभी में बराबर का सा संघर्ष था, केवल 6-7 नंबरों का अंकों का ही फर्क रहा, क्योंकि हमारे जो निर्णायक मंडल बैठे थे उन्होंने बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से जज किया है और उन्हें बारीकी से बहुत ही, और हमारा उद्देश्य भी यही रहता है केवल और केवल टीम मधुसूदन भिंडा का, इस आयोजन का उद्देश्य यही है कि हमारी इस शेखावाटी अंचल के, हमारे इस फागुन को, हमारे इस लोक संस्कृति को कैसे बचाए रखा जाए। हमारा ये अनवरत 5वां प्रतिवेदन है इस प्रतियोगिता का, और हमने ये देखा भी है कि जो हमने 5 वर्ष पहले जो लक्ष्य लेके हम चले थे कि रियल में हमारी संस्कृति जीवित रहनी चाहिए, तो निसंदेह आपने आज कवरेज भी किया है, आप देखना अपने वीडियो में कि कैसी कैसी पोशाकें ड्रेस पहन के आए हैं, कैसे रुमाल लगा के आए हैं, एक से बढ़कर एक बांसुरी बजा रहे हैं, एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं, ये सब प्रतियोगिता का ही कारण है, ताकि जो बंधु आज कमजोर रहे हैं आज की इस प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार जिन्होंने पाया है वो अगली बार 100% चाहे उनको कुछ भी करना पड़े वो 100% तैयारी से आएंगे, और हम जिस उद्देश्य को लेके चले हैं वो जीवित हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से जो सरकार है बड़े बड़े आयोजन करती है, कैमल फेस्टिवल बीकानेर का होता है, मरु महोत्सव जैसलमेर का होता है, वैसे ही शेखावाटी का एक होली का गवर्नमेंट पर्यटन विभाग की ओर से एक ऐसा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक महोत्सव की शुरुआत यहाँ पे करनी चाहिए। नहीं, आपने बहुत ही सुंदर बात कही है, शेखावाटी का फागुन केवल और केवल राजस्थान या भारत में विख्यात नहीं है, विदेशों में हमारे यहाँ के कलाकार जाते हैं, हमारे दोस्त बहुत कह रहे हैं कि आप यूके आ जाओ, कनाडा आ जाओ, लेकिन हम हमारे इस फागुन को छोड़ के नहीं जाना चाहते, इसलिए आपने जो बात उठाई है बहुत ही शानदार और जानदार है। हमारी सरकार को निसंदेह शेखावाटी में एक बहुत बड़ा हर साल फाग उत्सव का आयोजन करवाना चाहिए। बिल्कुल, क्या कहेंगे सरकार से कि इस तरह का अगर फाग उत्सव का आयोजन किया जाए? हम उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहेंगे हमारी टीम, और उसमें जो भी हमें पुरस्कार राशि दी जाएगी उससे हम मतलब खुश रहेंगे, हमारा उसमें सहयोग रहेगा, जो राशि नहीं देंगे तो भी उसमें हम जरूर भाग लेंगे, अपनी तरफ से जरूर सहयोग करेंगे और प्रोग्राम देंगे। हमारी पार्टी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, शिव बालाजी डप मंडल जो है सेठों की कोठी, हमारी पार्टी में कोई भी कलाकार प्रोफेशनल नहीं है, पहली बात तो कोई पैसा नहीं लेता है, जितने भी है कोई मजदूरी करता है, कोई मास्टर है, कोई पीटीआई है, कोई अन्य अपने काश्तकार है वगैरह, एक रुपया भी किसी को नहीं दिया जाता है, कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। जो भी पैसा हमारे पास आता है हम उसको इकट्ठा करते हैं,
साल जो फाल्गुन के बाद में हिसाब करते हैं, बालाजी महाराज के प्रसाद कर लेते हैं, या फिर उसके बाद में क्या करते हैं, बालाजी महाराज के मंदिर में वो पैसा लगाते हैं, या इस बार हमने शमशान में लगाया था, टिन सेट लगवाया था वो लगा देते हैं, किसी गरीब लड़की के 5 रुपये लगा देते हैं, किसी स्कूल में सरकारी स्कूल में पंखे भी लगवाते हैं, हमारी टीम के एक टीम और है उसको भी लगाते हैं। तो कुल मिलाकर अपने कहें तो हमारा उद्देश्य संस्कृति को जीवित रखना है, किसी भी प्रकार से अपन ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई कॉम्पिटिशन है, क्योंकि जो खुद विजेता होता ना उसका किसी से कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं होता है, हम विजेता है विजेता रहेंगे। बोल बालाजी महाराज की जय, बोल गौ माता की जय। ये था खास कार्यक्रम फतेहपुर शेखावाटी से, मैं नागेश कुमार कौशिक विमल सेन के साथ आप सभी को होली की शुभकामनाएं।